यशायाह की पुस्तक 40 उसकी 22 को पढ़ेंगे हम। ये वे हैं जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान हैं, पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य हैं, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये चींटियां किसके बारे में लिखा गया है, पता किसके बारे में लिखा है? मनुष्य के बारे में। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर अगर अपनी ताकत से हमें बचाने की कोशिश करता कि मैं तो परमेश्वर हूं, तो फिर वो वचन कंप्लीट ना होता वो, और शैतान परमेश्वर के सामने आके बोलता कि तूने तो अपने वचन से बाहर चला गया। अब यहां पर क्या लिखा, 40 उसकी 22 में, ये वे हैं जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान हैं। कौन है वो? ये वे हैं जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान हैं, पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य हैं। पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के, टिड्डियां देखी हैं जो निकलती बरसात के मौसम में, टिड्डी के तुल्य हैं। टिड्डियां, आपको इंसान को टिड्डी बोला गया है, परमेश्वर के सामने क्या है? हम सारे टिड्डियां। हम बोलते ना, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतनी जमीन मेरी है, वो है, ऐसे हम चींटी को देखते ना कि ऐसे मसल देंगे तुझे, वैसा परमेश्वर के सामने टिड्डी हैं हम। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं आज? टिड्डी के तुल्य हैं, और परमेश्वर अगर पकड़ता ऐसे कर बचाने की कोशिश करता तो मर जाते, क्योंकि वो ताकतवर परमेश्वर है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो वो फिर किस तरह से मनुष्य बने, क्योंकि वो तो परमेश्वर है, वो मनुष्य कैसे बने? मनुष्य कैसे बन सकता है? वो बन नहीं सकता ना, क्योंकि वो रिलेशनशिप से होगा ना, तो रिलेशनशिप करके पाप करके वो तो पाप हो जाएगा फिर। अगर पाप करके जीरस आते तो वो तो पापी गिना जाता, फिर शैतान बोलता कि सबने पाप किया, तू भी पाप से उत्पन्न हुआ है, तू क्या मुझे बगाएगा, तू क्या इन्हें बचाएगा? यशायाह की पुस्तक 40 उसकी 13, किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है? क्या लिखा? किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया? इब्रानियों 10 उसकी 5, इस कारण वे जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तू ना चाही पर मेरे लिए एक देह तैयार की। इसी कारण वे जगत में आते समय कहता है, कौन कहता है? परमेश्वर का नाम क्या है उसका बोलो ना, किसके बारे में लिखा? परमेश्वर पिता है या प्रभु यीशु मसीह है? प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर लिखा, इस कारण वे जगत में आते समय कहता है। कौन जगत में आया था? यीशु मसीह आया या नहीं आया? आया ना। तो लिखा, बलिदान और भेंट तूने ना चाही पर मेरे लिए एक देह तैयार की। सबजन बोलो हालेलुया। मेरे लिए क्या की तूने? एक देह तैयार की। सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे जो बोलते ना कि किस तरह से हुआ यीशु का जन्म, तुम्हें सब मालूम होगा। आप पवित्र आत्मा की वैल्यू को समझते नहीं है। लुका की पुस्तक 1 उसकी 35 को पढ़ेंगे हम। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुम पर छाया करेगी, इसलिए वे पवित्र आत्मा जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो क्या लिखा वहां पर कि अब परमेश्वर देख रहा है कैसे जाएं? मैं तो नीचे नहीं जा सकता, मनुष्य नहीं बन सकता, जो मनुष्य की लाइफ है मैं वैसी लाइफ नहीं जी सकता। मनुष्य का जीवन कैसा पापी हो चुका है, क्या परमेश्वर पापी तो ना होगा फिर? क्योंकि पाप से परमेश्वर क्या करता है? नफरत। अब ऊपर एक मीटिंग हो रही है, किसके बीच में? पवित्र आत्मा, जीसस और पिता के बीच में एक क्या हो रही है? ऊपर मीटिंग चल रही है और आपस में बातचीत हो रही है। जब मनुष्य को बनाया गया था तो क्या बोला गया था? आओ हम मनुष्य को क्या करें? बनाएं। किसने कहा था? तीनों ने कहा, पवित्र आत्मा, जीसस और पिता, तीनों ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के ऊपर बनाएं। ये तीन परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर एक ही है, लेकिन है ये तीन, है एक। ऐसे बर्फ होती ना, बर्फ पानी भी बन जाती है, सच्चा भी बन जाती है और धुआं भी बन जाती है, वैसे ही होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा और जीसस एक है। अगर ये समझ में आ गया ना, तुम पवित्र आत्मा की वैल्यू को समझोगे। अब पवित्र आत्मा ने देखा क्या कैसे होगा, फिर परमेश्वर का मंत्री कौन हुआ? भाई मैंने कहा कौन मंत्री है? पवित्र आत्मा ने फिर कहा पिता से, मैं अब कुछ नहीं है, तुम मनुष्य नहीं बन सकते, आप मनुष्य नहीं बन सकते नीचे, लेकिन होली स्पिरिट ने सलाह दी, आपस में तीनों की मीटिंग हुई हेवन में, अब किस तरह से पाप को खत्म करें। होली स्पिरिट ने कहा, मैं इस तेरे पुत्र को धरती पर लेके जाऊंगा ताकि तेरे लोग जो हैं वो बचे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन, ऊंचा लंबा है। तीनों खड़े सलाह कर रहे हैं, होली स्पिरिट बोला बीच में। अब पवित्र आत्मा ने क्या किया? पवित्र आत्मा मैं लेके जाऊंगा तेरे बेटे को, जीसस को। जीसस भी तैयार हो गया। तभी तो लिखा कि तूने जो मुझे जगत में भेजा, मैंने कोई भेंट नहीं, तूने भेंट नहीं मांगी, तूने मेरे लिए एक देह तैयार कर दी। देह कौन सी? देह एक पवित्र देह तैयार कर दी कि जिसके पेट में मैं जाऊं
जो बिना रिलेशनशिप के हो उसमें जाकर जीरस का जन्म हो, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो मरे ना अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ग्रामीण ऊंचा लंबा है।